आज के दिन की फर्स्ट अपडेट सनी खान दुरानी के बारे में है। तो आपको पता होगा कि शिव रिएक्शन किंग ने रिसेंटली सुसाइड कर लिया है। तो अभी शिव रिएक्शन किंग के बारे में सनी खान दुरानी का कहना है, रेस्ट इन पीस शिव रिएक्शन किंग, इट्स अ सैड, आई होप द डिपार्टेड सोल इज इन अ बेटर प्लेस। रामिस का कहना है, RIP माई ब्रदर शिव रिएक्शन किंग, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू एज दिस स्पोर्टिव गाय हु लव्ड हिप हॉप विद ऑल हिज हार्ट, विश वी कुड कनेक्ट बिफोर यू टूक दिस हार्श डिसीजन, गाइज प्लीज कनेक्ट विद पीपल अराउंड यू, नोबडी नोज किसके साथ क्या चल रहा है। रामिस ने कल रात लाइव सेशन किया है जिसमें रामिस का YS के साथ कोलैब के बारे में बात करते हुए कहना है कि तलांजुम के साथ उनका ट्रैक इसी साल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा रामिस ने अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में बात करते हुए अपडेट दिया है कि उनका किसी इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब आने वाला है। ब्रो तला यूनुस के साथ कब ट्रैक यार? तला यूनुस के साथ भी कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। अभी फिलहाल एक एक अंजुम के लिए कुछ चीजें हैं मेरे माइंड में, तो यू नो वंस आई हिट कराची तो अंजुम से कुछ सिटिंग बिठाएंगे, कुछ करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, कुछ करना है इस साल उसके साथ, कुछ मजे का करना है। अगली चीज़ों की लाइन लगी हुई है इस वक्त, कोई 8 से 10 गाने रेडी पड़े हुए हैं, मतलब रेडी पड़े हुए हैं। वीडियोस बनने वाली हैं कुछ पे, कुछ पे ऑडियोज़ बनने वाले हैं। सरप्राइज, काफ़ी सरप्राइजिंग कोलेब्रेशंस प्लान्ड हैं। वुड यू एक्सेप्ट इंडियन सिंगर्स टू कोलैब विद? यार आई वुड लव टू, इनफैक्ट मैं अभी एक इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर भी रहा हूँ, एक गाना आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं JJ47 के बारे में। तो JJ47 आजकल राइटर ब्लॉक फेस कर रहे हैं। JJ47 का ट्वीट करते हुए कहना है, बैड टाइम टू हैव राइटर्स ब्लॉक। अगली न्यूज YS के बारे में है। तो YS की किसी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो के बिहाइंड द सीन से कुछ ऐसी क्लिप देखने को मिली है। तो अब बात कर लेते हैं आप बोल जानी के बारे में। तो बोल जानी का ट्यूसडे को जकी ब्रेक्स द व्हील के साथ इंटरव्यू आने वाला है। जकी का कहना है, सॉरी फॉर द डिले गाइस, बट गुड थिंग्स टेक टाइम, फुल एपिसोड रिलीजिंग ऑन ट्यूसडे। तो इंटरव्यू का ट्रेलर आप लोग भी देख लो। आपको वैसे ऑटो ट्यून के बगैर सांस आती है? हाँ आती है, बिल्कुल। इकबाल का साहब है, बस ऐसी रैंडम आया था, एक डाल दिया, मतलब पक्की बात में किसी को क्या रहा, पक्की बात है, रैंडम मतलब लॉक कर लूं मैं इसको? हां लॉक कर भाई, उम्मीद की किरण है। मुझे पता था तू कोई ऐसा ही जवाब देने लगा है, तभी मैंने सीधा कैमरे के पीछे डाल दिया। थोड़ा सा हाजिर जवाब है, ख्वाब नहीं होता, ख्वाब होता है, ख्वाब होता है, ख्वाब होता है। यार ठीक है यार, आप शायर हो, मैं नहीं हूँ यार, देखा घूम रहे। आपका नाम बोल जानी है कैसे पड़ा? सॉरी यार ये बहुत हो गया, अब दो जवाब। तो अब बात कर लेते हैं आदिल उमर के बारे में। तो आदिल उमर का 22 जून यानी कि इसी वेडनेसडे को डीजे अब्दुर के साथ कोलैब आने वाला है। आदिल उमर का कहना है, डीजे अब्दुर एक्स आदिल उमर 10:30 ऑन अ वेडनेसडे कमिंग सून। स्पॉटिफाई पे इवा बी के 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उमर के चैनल पे 30K सब्सक्राइबर्स। तला यूनस का बेसबर ट्रैक 500,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है और 13 डेज के बाद गाना अभी भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हाशिम साह का एक ट्रैक आउट हुआ है NMD, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।